दोस्तों, अगर आप भी जडेजा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल के पहले दिन के मुकाबले में 51वां ओवर करवाने के लिए उतरे जडेजा ने स्मिथ के साथ किया तगड़ा ड्रामा। हाथापाई पर उतर आई पूरी बात, फिर रोहित और कोहली ने आकर किया ऐसे बीच बचाव। यह ड्रामा और वजह जानकर पूरा देश रह गया हैरान। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ था मैदान पर, किस बात पर यह बहस थी, वो सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जडेजा और स्टीव स्मिथ में से कौन अच्छा खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC फाइनल का रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुन तो ली थी। लेकिन यहां पर दोस्तों, ये पैतरा उन पर इतना भारी पड़ जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। हुआ ये कि जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा उतरे थे, तब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 2 रन की साझेदारी की और इस बीच उस्मान ख्वाजा एक भी रन नहीं बना पाए और मोहम्मद सिराज का शिकार बने। अब दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने ये पहला विकेट ले लिया था, वो भी कम रन देकर। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आज के इस मुकाबले में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 150 रन का भी आंकड़ा पार कर जाए तो काफी बड़ी बात होगी। लेकिन दोस्तों, डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन के बीच फिर एक साझेदारी हुई, जहाँ ये साझेदारी 71 रन पर पहुंच चुकी थी। लेकिन यहाँ पर डेविड वार्नर 43 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं मार्नस लाबुशेन ने 26 रन की पारी खेली। लेकिन इन दोनों के भी आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 76 रन बना चुकी थी, मात्र 3 विकेट अपने गवाकर। अब स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड पर पूरा दारोमदार था मैच को आगे तक लेकर जाने का और टीम का साथ देकर बड़े स्कोर तक पहुंचाने का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने तो आज कमाल की बल्लेबाजी करके हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल यहाँ ट्रेविस हेड का बल्ला टिक गया और उन्होंने अपना शतक सबसे पहले तो महज 102 गेंदों में पूरा कर लिया और इस बीच उन्होंने मोहम्मद शमी, सिराज और यहाँ तक कि शार्दुल ठाकुर की जमकर पिटाई की। तो वहीं उनका साथ निभा रहे स्टीव स्मिथ ने 71 रन बनाए और दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि तीसरा विकेट 76 रन पर गिरा था और चौथा विकेट गिरने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 276 का भी आंकड़ा पार कर चुकी थी और दोहरी शतकीय साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच हो गई थी। लेकिन यहाँ पर किसी को क्या ही पता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आज भारत के खिलाफ 327 रन जड़ डालेगी, वो भी मात्र 3 विकेट गवाकर। और दोस्तों, फिर क्या था, भारतीय गेंदबाजों का गुस्सा फूटना तो बीच मैदान पर दिखाई देने ही वाला था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी तरह से ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का विकेट लें, क्योंकि ट्रेविस हेड 146 रन पर खेल रहे हैं और वहीं स्टीव स्मिथ अपने शतक की तरफ 95 रन बनाकर टिके हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये कि जब पारी का 51वां ओवर करवाने के लिए रविंद्र जडेजा उतरे, तो दोस्तों उस बीच तगड़ा ड्रामा बीच मैदान पर देखने के लिए मिला जडेजा और स्मिथ की वजह से। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि 51वे ओवर की शुरुआती 5 गेंदे तो जडेजा ने ट्रेविस हेड को करवा दी थी। जब 5वीं बॉल पर स्ट्राइक चेंज हुई तो अंतिम गेंद का सामना करने के लिए स्टीव स्मिथ सामने थे। हालांकि दोस्तों, इस बीच स्टीव स्मिथ ने काफी ताका झानी की और उसके बाद उन्होंने जडेजा का सामना करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने फिर बीच में ही जडेजा को गेंदबाजी करवाने के दौरान रोक दिया। और दोस्तों, ये उन्होंने एक बार नहीं, लगभग 3 से 4 बार करा, जिसके बाद जडेजा का भी खून खौल गया। और दोस्तों, जडेजा को तो आप सभी जानते हैं कि जब तक बर्दाश्त करते हैं तब तक तो वो स्टीव स्मिथ को कुछ नहीं कहे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उनकी सीमा पार हुई उसके बाद उन्होंने स्टीव स्मिथ को स्लेजिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर फिर मामला इतना गर्मा गया था कि स्टीव स्मिथ भी काफी ज्यादा जडेजा को उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आ रहे थे और फिर एम्पायर को बीच में ही ब्रेक लेना पड़ा और ड्रिंक्स ब्रेक का ऐलान कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, उस बात के बाद देखा गया कि मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आकर दोनों ने इस मामले को सुलटाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जडेजा और स्टीव स्मिथ के बीच में काफी तगड़ी बहस देखने के लिए मिली और फैंस ने इस बहस का काफी आनंद लिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि जडेजा ने जो किया वो बिल्कुल सही था या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।